चिड़ावा के पास मंडरोला के गांव रबुड़ी के बीएसएफ जवान सुरेश बेनीवाल का दो दिन पहले निधन हो गया। वह बिहार के किशनगंज में बीएसएफ की 17वीं बटालियन में तैनात थे। मंगलवार को बीएसएफ जवानों की टुकड़ी पार्थिव देह लेकर उनके पैतृक गांव पहुंची। इस पर परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि वे जवान की पार्थिव देह तब तक नहीं लेंगे जब तक उनकी मौत की जाँच नहीं हो जाती और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। इसके बाद देर शाम को विधायक कृष्ण पूनिया की मौजूदगी में सेना के अधिकारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का कहना था कि सुरेश कुमार बेनीवाल ड्यूटी पर थे, लेकिन जो कागजात पार्थिव देह के साथ भेजे गए उनमें सुरेश कुमार को 10 जून से अवकाश पर बताया गया, जबकि उनका निधन उनके अधिकारी के घर पर हुआ है और अधिकारी ने उन्हें अपने निजी काम पर ड्यूटी से भेजा था, इसलिए उन्हें अवकाश पर बताया जाना गलत है। इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया गया था। सूचना के बाद पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। जवान सुरेश कुमार बेनीवाल के बेटे पंकज बेनीवाल ने बताया कि मेरे पिता से जब 17 तारीख को मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मैं सीओ के घर पर तैनात हूं, जबकि दूसरे दिन फोन आया कि वे नहीं रहे। अधिकारियों ने बताया कि वह छुट्टी पर थे जबकि वो ऑन ड्यूटी थे। हम चाहते थे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो। दिन भर की मशक्कत और जनविरोध के मध्य शाम ढलने के साथ लिखित समझौता हो गया। मौके पर की गई घोषणा के अनुसार सुरेश कुमार बेनीवाल को ऑन ड्यूटी मान लिया गया, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इसके अलावा मृतक सुरेश कुमार के एक आश्रित को नौकरी भी दी जाएगी और जो लाभ ऑन ड्यूटी सैनिक सुरक्षाकर्मी की मौत पर मिलते हैं वो सभी लाभ सुरेश कुमार के परिजनों को मिलेंगे। वार्ता से पूर्व इस मामले में विधायक कृष्ण पूनिया ने जिला कलेक्टर से बात की, उसके बाद राजगढ़ के एसडीएम रणजीत सिंह मरजारिया भी गांव पहुंचे। इससे पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अमित शाह को मेंशन करते हुए उन्हें भी मामले की निष्पक्ष जांच के बारे में बात कही। बंद कमरे में वार्ता में परिजनों की ओर से शहीद सुरेश कुमार के मामा प्रेम सिंह, साला सुरेंद्र सिंह, किरण पाल सिंह, भतीजा रामनिवास, दामाद नवीन और बड़े भाई प्यारेलाल भी मौजूद रहे। शहीद का शव लेकर जो अधिकारी आए उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लिखित समझौता किया गया है, जिसके बाद मृतक जवान के पार्थिव को परिजनों को सुपुर्द किया गया है और राज्य के सम्मान के साथ सुरेश का अंतिम संस्कार किया गया। बोडंसी गुरुग्राम से आई 95 बटालियन की टुकड़ी ने एसआई हरपाल यादव की अगुवाई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजगढ़ एसडीएम रंजीत बिंजारिया, राजगढ़ तहसीलदार इमरान पाठन, हमीरवास थानाधिकारी राधेश्याम, एडवोकेट ओम प्रकाश खीचड़, रावतसर सरपंच मुकेश, पूर्व सरपंच सत्यवीर सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजगढ़ विधायक कृष्ण पूनिया ने कहा कि सेना के अधिकारियों से बात की गई, आपसी समझाइश और जनभावना को देखते हुए सेना ने उन्हें ऑन ड्यूटी दिखाते हुए सभी परिलाभ देने की सहमति दी है, जिसके बाद राज्य के सम्मान से जवान सुरेश का अंतिम संस्कार किया गया है। कल अलसुबह जब शहीद की पार्थिव शरीर पहुंची तो साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं होने के कारण परिजनों ने धरना दे दिया। वहीं मौत की अवस्था को संदिग्ध बताते हुए उनके मौत के कारणों की जांच होने की बात कही। वहीं परिजनों और ग्रामवासियों ने बीएसएफ के सीओ पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि सीओ अपने निजी कार्य के लिए उन्हें घर पर काम पर रखा था और इससे वे बेहद परेशान नजर आ रहे थे। जब पिछली बार वे छुट्टी घर पर आए हुए थे तो उन्होंने परिजनों को भी बताया था कि सीओ बहुत परेशान कर रहा है। शहीद जवान सुरेश कुमार बेनीवाल का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। वीरांगना पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया तो वहीं बूढ़े माता पिता के आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। जय हिंद, जय भारत।